बल्लारशाह के कारवा जंगल इलाके में खुलेआम जंगल में फेंके गए हैं अस्पताल उपयोगी सामान। जंगल में जगह जगह बिखरे पड़े हैं सैनिटरी पैड्स, इंजेक्शन की नीड्स, दवाइयाँ, सलाइन की बोतलें, जिससे हो रहा है जंगली जानवरों को खतरा। बल्लारशाह वन विभाग का सुस्त रवैया आया सामने। नमस्कार दोस्तों, अस्पताल जिंदगियां बचाने का काम करती है, किंतु वही अस्पताल कभी कभी ऐसे कर्तव्य दिखाती है जिससे अन्य जीवों की जान पर बन आती है। ऐसा ही कुछ मामला बल्लारशाह के कारवा जंगल इलाके से सामने आया है, जहां अक्सर वन्य जीवों को चहलकदमी करते देखा जाता है। उसी इलाके में अस्पताल की लापरवाही का नमूना देखने को मिला है। अस्पताल की ओर से इंजेक्शन की नीड्स, सलाइन की बोतल, दवाइयाँ, सैनिटरी पैड्स समेत अन्य जरूरती वस्तु जंगल इलाके में खुलेआम फेंकी गई है, जो गैरकानूनी कदम है जिसे अस्पताल प्रशासन की ओर से उठाया गया है। अस्पताल के लापरवाही की वजह से यहाँ के वन्य जीवों की जान आफत में आन पड़ी है। आपको बता दें कि किसी भी अस्पताल को इस तरह खुले में इंजेक्शन की नीड्स, सलाइन की बोतल या दवाइयाँ फेंकने की इजाज़त नहीं होती, उसे नष्ट करना होता है। किंतु यहाँ खुलेआम वन्य जीवों के साथ, छोटे बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सूत्र से आ रही जानकारी के मुताबिक फेंका हुआ कचरा, जिसमें दवाइयाँ, सलाइन, सैनिटरी पैड्स, इंजेक्शन की नीड्स जैसे सामान है, वो बल्लारशाह सरकारी अस्पताल की लापरवाही का नतीजा बताया जा रहा है। बल्लारशाह के कारवा जंगल इलाके में जहां यह अस्पताल उपयोगी सामान फेंका गया है, उस इलाके से बच्चे, बूढ़े और जवान सुबह की मॉर्निंग वॉक को जाते हैं। यहां जंगली जानवरों का भी अक्सर आवागमन देखने को मिलता है। ऐसे में कोई दवाई, कोई इंजेक्शन की सुई को वन्य जीव ने खा लिया तो इसका खामियाजा भुगतना किसे पड़ेगा। आरोप तो यहां तक लग रहा है कि जानवरों की शिकार के लिए इस तरह की योजना अमल में लाई जा रही है। हम आपको बता दें कि नगर पालिका के माध्यम से कचरा जमा कर उसे डंप यार्ड में भेजा जाता है, किंतु यहाँ तो अस्पताल उपयोगी सामान जो अब कचरा ही माना जा रहा है, उसे इस तरह जंगल में फेंका गया है ताकि वन्य जीवों का शिकार हो सके। कहीं ये एक सोची समझी साजिश तो नहीं। इस संदर्भ में हमारे प्रतिनिधि ने बल्लारशाह के RFO नरेश भोरे से फोन पर बात की तो उन्होंने इस पर कार्रवाई की बात कही। तो वही इससे पहले भी फॉरेस्ट के तरफ से नगर पालिका को सूचित किया जा चुका है, बावजूद इसके इस तरह की लापरवाही या यूं कहे कि साजिश सामने आ रही है। देखना है वन विभाग सही में कोई एक्शन लेता भी है या फिर रात गई सो बात गई वाला कैरेक्टर यहां इस्तेमाल किया जाता है। टीम VL 24 न्यूज़।